हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हाय, टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ दीक्षा ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीक्षु भंडारी। और आप ये सब देख सकते हैं, आज हमारा बैली फंक्शन है, इसलिए मैंने हेयर मास्क तैयार किया है। और जो मेरे पार्टनर है, मैं दिखाती हूँ झलक, वो कैसे कैसे लेते हैं। ये देखिए गाइस, सब कैसे कैसे सोए हैं। और मैं फोकस करना चाहती हूँ हमारे डॉन पे। ये हमारा डॉन है, देखिए पोगली मोगली। अभी ये सिर्फ सिर्फ ये और मैं उठे हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। इस खुद को अच्छे बच्चे बताने के चक्कर में यहाँ देख सकते हैं आप, दूध गिर गया मुझसे, बहुत उबल गया था ये। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब इस दूध उबलने की वजह से मेरी बूजी की नींद खुल गई है, तो इसको मैं साफ करती हूँ झट से पट। तो गाइस, यहाँ पे जो दूध गिरा था, जैसे आपने देखा था, वो मैं साफ कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं गाइस, अभी तक यहाँ पे ऐसा था, तो फिर अब साफ हो गया है दूध, आज सब साफ। इनका फलाना ये जो मैंने लगाया है, ये इसलिए लगाया क्योंकि आज वैली फंक्शन है सेंट वैली वालों का, ठीक है। उसमें मैं सेक्रेटरी भी हूँ और मैं होस्ट भी हूँ, तो मैं थोड़ा त्यार श्यार, यू नो, लड़कियों वाले सिस्टम वो कर रही थी अपने को, इसलिए मैं सुबह ही उठ गई हूँ। सुबह उठ के मैंने लगाई है ये, तो फिर उसके बाद मुझे नहाना है। पानी रॉड में हमने लगा के रखे हुए हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब सुबह डेकोरेशन करने जाएंगे हम कला केंद्र में। डेकोरेशन वगैरह स्टाइल, वो जो भी हमने करना है वहाँ पे, मैटिंग वगैरह वो सब करने जाएंगे, डीजे को मैनेज करने जाएंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हाँ उसके बाद हम वापस आएंगे, हमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा रेडी होने के लिए, उस टाइम हम रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद हम इंजॉय करेंगे आज का वैली फंक्शन, तो गेट रेडी फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने फिर से क्या क्या कर दिया है। यहाँ से मैंने ऊपर से अजवाइन गिरा दिया, इस दाल को निकालते हुए अजवाइन गिर गया, दूध फिर से गिर गया। सब साफ करने के बाद हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अब फिर से साफ हो गई सारी चीजें और ये चढ़ गई दाल। अब मिलेंगे आपको पूरा, मतलब अब मिलेंगे आप लोगों को जब हम जाएंगे कला केंद्र, उस टाइम के लिए वेट। तो गाइज, अब लो हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब लालचंद प्रार्थी कला केंद्र, जिसकी डेकोरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, और पीछे हमारा बैनर भी लग गया है। ये हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर देव नेगी, तो बाकी आपको इसके बाद बताएंगे। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने और तैयार होने, बिल्कुल एकदम झकास बन के आएंगे, तो आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, ओके, जब सब यहाँ पे मतलब असेंबल हो जाएंगे उसके बाद। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, ओके। इस तरह से यहाँ पे लग चुकी है चेयर्स, और ये है हमारी बाकी सेंच की हीरोइने, से हाय। ब्लॉग है ये, हाय पीछे भी है, और यहाँ पे अभी कुछ कुछ थोड़े थोड़े लोग है। ये मेरी, ये है प्रिया जी, प्रिया ने की आप इनको फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना तो मेरे को कर देना। आईडी तो ये है हमारा बैनर है, शायद आप लोगों को मेरा फोटो दिख रहा हो। और ये पधार गई हैं बॉबी शर्मा, और वो रही हमारी पायल नेगी। हेलो, हाँ ये हमेशा मेरे ब्लॉग में टपक जाती है, पता नहीं कहाँ से। तब तक मैं आपको यहाँ पे बैनर वगैरह दिखा देती हूँ। ये है हमारा बैनर, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये मैं हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। We'll be right back.
Make some noise for MC Raja! Damn boy! Let's go, yeah. Boy! कौन ये बात तो कभी भी भूल मत, ये है हिप हॉप ना कोई बात तो यहाँ पे झूल मत, है तुम पे जो मूड कम तू लिखता है मुझको सुनकर, तो उतना ही रहो जितना दिमाग क्यों आ जाते ऐसे ही उठकर, तेरे से बेहतर है कौन ये बात तो कभी भी भूल मत, ये है हिप हॉप ना कोई बात तो यहाँ पे झूल मत, है तुम पे जो मूड कम तू लिखता है मुझको सुनकर, तो उतना ही रहो जितना दिमाग क्यों आ जाते ऐसे ही उठकर, महसूस कर ये लाइन जो लिखी है मैंने अब जाएगी दिल पर, ये मेहनत का फल मैं भी बना रहा मेरा हम सबर, या तो कैसे मैं पीछे हटूं, या बंदों के आगे खड़ू, या बोलूं कि तुझसे हूं बेहतर, मैं चाहे तू आगे या माइक पे बोल, अगर मैं मिलता है मुझको सुकून फाइन लगा दूं मैं हैक स्कूल, अरे फिर जॉइन ये एक्टिव स्कूल और सुनते नहीं है ये ओल्ड स्कूल, स्कूल से करता था रैप स्कूल से अपने में पहले से बेस्ट, अभी हूँ लास्ट ईयर में और अभी के कहते हैं लेकिन बेस्ट, कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, फास्ट बॉल करूँ जैसे मैं हूँ ब्रैडली, तभी हर ओवर में हैट्रिक, तेरे से बेहतर है कौन ये बात तो कभी भी भूल मत, ए ये है हिप हॉप ना कोई बात तो यहाँ पे भूल मत, ए है तुम पे जुनून कम तू लिखता है मुझको सुनकर, तो उतना ही रहो इतना दिमाग क्यों हो जाते ऐसे ही उठकर, तेरे से बेहतर है कौन ये बात तो कभी भी भूल मत, ए ये है हिप हॉप ना कोई बात तो यहाँ पे भूल मत, ए है तुम पे जुनून कम तू लिखता है मुझको सुनकर, तो उतना ही रहो थोड़े खपा से होने लगे, बड़ा काम उतना ही छोड़ा लगे, ट्रिप भी नहीं कभी लो।